हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वचन। वचन जिसे हम नंबर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, लड़के, रोटी, बकरियां आदि। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद माने गए हैं। पहला है इसमें एक वचन और दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, गेंद, आंख, महिला आदि। दूसरा भेद है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, गेंदें, महिलाएं, आंखें आदि। बच्चों, हमें वचन से संबंधित कुछ बात, विशेष बात जो है उस पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि कुछ शब्द सदैव एक वचन वाले ही होते हैं, जैसे पानी, वर्षा, सत्य, आकाश आदि। लेकिन साथ में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव बहुवचन वाले शब्द होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर आदि। थैंक यू।